और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर दंतेवाड़ा आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजधानी में आज बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश प्रभारी और माथुर ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा के रथों को अपने अपने तय स्थानों के लिए रवाना किया है। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्बाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में रथ का विधिवत पूजन के बाद रवाना किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा। टेक्निकली काम, लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख के दो विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को दो हमारी पर्वत यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भारत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है।